Distinguished members on the dais, ladies and gentlemen, बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को ऐसा बना दिया जैसे ये ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम मेरे लिए हो। बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बातें कर दी, मैं उसके आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सायदा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया, और जब से उन्होंने बीड़ा उठाया है कि अब्बास साहब को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, तब से मैं उनके साथ हूँ। और बहुत सारी मीठी बातें इन्होंने बताई यूनिवर्सिटी के ज़माने की। एक बहुत ही खूबसूरत बात ये बताना भूली गई, जिस बस स्टॉप पे हम लोग सब इकट्ठा होते थे बस पकड़ने के लिए, 9 नंबर की यूनिवर्सिटी स्पेशल होती थी, बहुत सारे यार दोस्त हम सब इनके साथ महिलाएं होती थी, हम लोगों का अपना एक लड़कों का ग्रुप होता था। उन लड़कों में एक का नाम था प्राण तलवार, और एक दिन ऐसा हुआ कि बस आई और भरी हुई थी, तो सब लोगों ने कोशिश की कि घुस जाएं, हम में से कोई घुस नहीं पाया सिवाय प्राण तलवार साहब के। बड़ा निराश हुए हम लोग कि आज क्लास मिस हो जाएगी वगैरह, लेकिन बहुत ही दबे स्वर में मैंने बाद में सुना, पता नहीं किसने कहा था सायदा जी ये, ने कहा चलो अच्छा हुआ प्राण जाए पर बचन ना जाए। शोभाजन जी ने और जिन लोगों ने बात की उन्होंने बता ही दिया कि 46 वर्ष हो गए साथ हिंदुस्तानी को। अब्बास साहब के जो ख्यालात थे वो बहुत ही अलग थे, जितने लोगों ने उनके बारे में बात की इससे आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन जैसा वो सोचते थे वैसा वो करते भी थे, ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। साथ हिंदुस्तानी जब उन्होंने बताई तो शायद आप में से बहुत से लोग ना जानते हैं उसकी कहानी। एक उनके सलाहकार थे, उनके साथ काम करते थे, उनकी कहानी उन्होंने सुनी कि किस तरह से जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो गोवा जा रहे थे, गोवा क्योंकि पुर्तगाली कॉलोनियल रूल में भी था, तो वहाँ पर जा कर के तिरंगा वो फहराना चाह रहे थे शहर के बीचों बीच, और उनकी कहानी थी। तो अब्बास साहब ने ये पूरी कहानी वहाँ से बनाई, और अब्बास साहब को लगा कि 7 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी उनको चुनने चाहिए। 7 लोगों को ही उन्होंने क्यों चुना, ये भी उसके पीछे एक उनकी एक सोच थी। 7 रंग होते हैं हमारे रेनबो में, 7 का महत्व जो है वो काफ़ी अहम होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि जैसा कि अभी बताया कि अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से उन्होंने 7 ऐसे कलाकारों को चुना। उत्पल दत्त जो कि बंगाल से थे, उनको एक पंजाबी का रोल दिया, वो चाहते थे कि जहाँ से तुम हो उससे अलग भूमिका तुम निभाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब्बास साहब इक्वालिटी में बहुत विश्वास रखते थे। तो मुझे उन्होंने एक मुसलमान का रोल दिया, मेरे मित्र अनवर अली को उन्होंने हिंदू बनाया, मधु जो कि केरल से थे उनको उत्तर भारत से का एक रोल दिया, जलाल आगा थे जो कि मुसलमान थे उनको महाराष्ट्र का एक रोल दिया। इस तरह करके एक मेल जोल करके उन्होंने ये फिल्म बनाई, और न जाने क्यों उनकी ऐसी सोच थी कि जिस तरह से ये सेनानी लड़े होंगे उसी तरह हम लोग इस फिल्म को भी बनाएंगे। तो हम लोग सब यहाँ मुंबई के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में गए शूटिंग करने गोवा, 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ करके गए, और वहाँ पर जब भी अवसर मिला पैदल चलते थे हम लोग अपना सामान वामान ढो करके। रहने के कोई होटल नहीं होता था, जहाँ सर्किट हाउस छोटे छोटे होते थे, जहाँ बिजली पानी वगैरह नहीं होता था वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल किस्म का एक वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था, वहीं पर पूरा कास्ट को सब एक साथ सोता था, चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप कैमरामैन हों, चाहे आप स्पॉट बॉय हों, सब एक साथ वहीं सोते थे। उस ज़माने में होल्ड ऑल होता था, पता नहीं आप लोग होल्ड ऑल समझते हैं कि नहीं आजकल,
पूरा बिरया मतलब बोरी बिस्तर जो है वो एक होल्ड ऑल में से बंद कर दिया जाता है, एक तरफ तकिया होता था, फिर बाकी सब रजाई वगैरह उसमें गोल ऐसे बांध करके उसे ले जाया करते, सब लोग अपना होल्ड ऑल खोलते थे, उसी के अंदर सो जाते थे, सुबह उसको लपेटा और चल पड़े। कई बार मैं रात को जब सो रहा होता था तो नींद उठती थी तो देखता था कि अब्बास साहब भी वहीं बगल में ही ज़मीन पर ही लेटे हुए हैं, और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो लालटेन लेकर के काम किया करते थे अगले दिन की डायलॉग्स लिखने के लिए, इस तरह से उन्होंने काम किया। पंडित जूकर जी की बात हुई अभी और आज यहाँ मौजूद हैं, पंडित जी को सबसे पहले प्रोत्साहित किया अब्बास साहब ने, इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, ठीक है लगवा लेते हैं। उन्होंने कहा ये पंडित जूकर हैं, ये हमारे ख़ास हैं, ये आकर के आपको दाढ़ी लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। पंडित जूकर जी क्योंकि बहुत ही व्यस्त मेकअप मैन थे तो इन्होंने अब्बास साहब से कहा देखिए जिस दिन आपको दाढ़ी चाहिए उस दिन मैं नहीं 7 दिन पहले आ सकता हूँ, तो जिसको भी दाढ़ी लगवानी है वो 7 दिन पहले लगवा ले। तो मैंने ये बात जब अब्बास साहब से कही कि तो 7 दिन पहले, उन्होंने कहा नहीं देखो करना पड़ेगा, देखिए पंडित जी जो हैं वो हमारे साथ मुफ्त में काम कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि हम बड़े मेकअप मैन को बुलाएं, आप ऐसा कीजिए कि 7 दिन पहले आप दाढ़ी लगवा लीजिए। तो पंडित जूकर जी आए गोवा और दाढ़ी चिपका दी। उस ज़माने में, आजकल तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो गया ये सब काम, नेट वगैरह नहीं होता था, एक एक बाल लेकर के चिपकाना पड़ता था और ये इनकी खूबी थी तो पूरी दाढ़ी इन्होंने चिपका दी। अब मुसीबत ये थी कि उस दाढ़ी को कायम रखना था 7 दिन तक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देवियों सज्जनों कि 7 दिन में नहाया नहीं, क्योंकि अगर नहाता तो दाढ़ी उतर जाती है और पंडित जूकर साहब होते नहीं। एक दुपट्टा मंगवाया हमने, हमारे जो साथ हमारे साथ कमरे में थे अनवर अली, वो हम लोग गए कहीं बाहर, एक दुपट्टा लेकर के आए, पंखे से उसको लटकाया, आत्महत्या करने के लिए नहीं, पंखे से लटकाया उसको और वो अपने मैंने गर्दन के नीचे लगाया और तकिए से तकरीबन 1.5 फुट ऊपर ऐसे में लेटा रहता था। पंडित जूकर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कष्ट उठाया हमने 7 दिन, ये आपकी बदौलत था, आपको धन्य है, बहुत बहुत धन्यवाद। A lot has been said about Abbas Saab. I have no words more than what already has been expressed about him. He was an incredible human being. There were many other qualities that were more professional in him, but for me he was always my Mamujan. That is how we all addressed him. Mamujan had some wonderful moments with us. Every time we had a problem and an issue, we would go to him and he would have an answer for us or a solution for us. I was great friends with Anwar Ali, Mahmood Saab's youngest brother. And because we were always together, Annu said that, you know, I think you should move into my room. So for many months and almost a year and a half, I stayed with him in his room in Mahmood Saab's house. Mahmood Saab ke paas ek sports gaadi thi jo ki wo istemal nahi karte the, wo unhone Anwar Ali ko de di. To hum log us sports gaadi mein ghuma karte the. Hum log samajhte the ki hum log bahut bade star hain kyunki wo gaadi jo thi wo sports car thi. Lekin usme petrol bharne ke liye hamare paas paisa nahi hota tha. To aisa hum logon ne socha ki yaar chalo कहीं से भीख मांग के जितना भी है 5-10 रुपए का पेट्रोल भरवा लेते हैं, जितनी दूर जाएगी उतनी दूर जाएंगे और जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा उतर जाएंगे गाड़ी से, गाड़ी वहीं छोड़ देंगे। और कई बार ऐसा हुआ कि जाते जाते गाड़ी बंद पड़ गई तो हम लोग को छोड़ करके लोकल ट्रेन पकड़ के मामूजान के पास आते थे और कहते थे मामूजान हमारी गाड़ी जो है वहाँ पड़ी हुई है, पेट्रोल नहीं है। तो मामूजान बहुत ही उदारता से 150 रुपए हमें हमेशा देते रहते थे। बट रियली हिज एंटायर थिंकिंग वॉज वन ऑफ बट आई वुड लाइक टू रीड टू यू हिज लास्ट पेज फ्रॉम द ब्लिट्स व्हिच ही हैज रिटन हिज विल, एंड आई थिंक दैट दिस एप्टली डिस्क्राइब्स व्हाट ख्वाजा अहमद अब्बास वॉज एंड व्हाट ही स्टूड फॉर।
This is the last page of the Blitz that used to be edited and owned by Sheikh Karanjia. And the title of this article is called The Last Will and Testament of Khwaja Ahmad Abbas. This is being written by Abbas Saab himself. I, Khwaja Ahmad Abbas, aged 73, in sound body. क्लिप नंबर देख लो। कर रिपोर्ट किया।